अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं और साथ ही दिख रहा होगा बेल आइकन, उसे दबाकर नोटिफिकेशन पाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं वो खास तौर पर व्यूविंग कार्ड को लेकर बात करने वाले हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो विषय है वो काफी अहम हो चला है। हम जो है ना इस तरह से बंद गए हैं कि अगर कोई नया चैनल आने वाला है, कोई चैनल जाने वाला है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन को जानना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन आपको उसके टेक्निकल टर्म्स को भी जानना काफी जरूरी है कि टाटा स्काई या एयरटेल डिजिटल टीवी वीडियोकॉन किस प्रकार से हमारे लिए काम करते हैं। जब भी कोई नया कनेक्शन हमारे घर पे कोई एक्टिवेट करके दिया जाता है तो उसमें जो व्यूविंग कार्ड होता है, जो हमारे बॉक्स के पीछे इंसर्ट करके दिया जाता है, वो किस प्रकार से काम आता है, क्या उसकी वैल्यू है। अगर वो कार्ड ना हो तो क्या हमारा सेटअप बॉक्स किसी भी काम के लिए मान्य रहेगा, क्या वो हमें चैनल्स दिखाने के लिए सक्षम रहेगा। तो इसी के तौर पर हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो मेरा कार्ड आप देख रहे हैं सामने, ये मेरा एयरटेल डिजिटल टीवी का व्यूविंग कार्ड है। इसी प्रकार का कार्ड आपका टाटा स्काई का भी होगा, डिश टीवी का भी होगा, वीडियोकॉन का भी होगा, रिलायंस का भी होगा, इंडिपेंडेंट टीवी का भी होगा। आज के दौर में बात कर ले तो डिश टीवी ने इन कार्ड्स को इस्तेमाल करना, टाटा स्काई ने, एयरटेल ने भी बंद कर दिया है। अब ये इन बिल्ट आते हैं। पुराने वक्त के जो सेटअप बॉक्सेस होते थे या आज के वक्त में 15-16 में लगे हुए हैं, उनके ऐसे कार्ड आते थे, लेकिन अब 18-19 में ये सिस्टम बंद कर दिया गया है। अब जो एक कार्ड की समस्या है उसको दूर करने के लिए अब बॉक्स के इन बिल्ट में ही कार्ड जो है वो इंसर्ट करके दिए जाते हैं। ना तो उसे आप निकाल सकते हैं और ना ही उसे वापस डाल सकते हैं, तो वो सिस्टम अब बंद हो चुका है। लेकिन जिसके पास अगर अभी भी ये कार्ड, व्यूविंग कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे इसके बारे में मालूम जरूर होना चाहिए कि आखिर इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो देखिए, हर एक प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, हर कोई इसका इस्तेमाल करता है, और ये एक तरह से हमारा कस्टमर आईडी या वीसी नंबर होता है जिसमें हम अपनी पार्टिकुलर अमाउंट को रिचार्ज करवाते हैं। मान लीजिए आपके घर में टाटा स्काई का कनेक्शन लगा हुआ है, तो उसमें जब भी आप पेमेंट रिचार्ज करवाते हैं ना, चाहे वो डीलर के थ्रू करवाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो वो इस कार्ड के अंदर करते हैं, इस चिप के अंदर करते हैं। यही चिप होती है जिसके माध्यम से जो बैलेंस होता है वो डिटेक्ट होता है और आपके चैनल्स जो है वो आपको देखने को मिलते रहते हैं। अगर ये कार्ड नहीं होगा तो सेट टॉप बॉक्स आपको एक मैसेज शो करेगा कि कार्ड को इंसर्ट करें तो ही आप चैनल्स का आनंद ले सकते हैं। कईयों के मन में ये भी सवाल आता है कि अगर ये कार्ड की जगह हम टाटा स्काई का एयरटेल डिजिटल टीवी के बॉक्स में कार्ड डाल दें, या फिर एयरटेल डिजिटल टीवी का जो कार्ड है वो डिश टीवी के बॉक्स में डाल दें, तो क्या हमारे चैनल्स रिसीव हो जाएंगे। देखिए, नहीं, ये जो एयरटेल डिजिटल टीवी का आप कार्ड सामने देख रहे हैं, ये केवल एयरटेल डिजिटल टीवी के सेटअप बॉक्स के लिए ही तैयार किया गया है। ये जो कार्ड है वो केवल एयरटेल डिजिटल टीवी का बॉक्स ही सपोर्ट करेगा, क्योंकि एयरटेल डिजिटल टीवी का जो बॉक्स है वो इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इस कार्ड का जो काम है, फंक्शंस है, वो केवल वही बॉक्स उठा पाएगा, दूसरे मॉडल के सेटअप बॉक्सेस नहीं उठा पाएंगे। तो इस प्रकार से कुछ काम होता है। मान लीजिए ये कार्ड में डाटा स्काई में डाल दिया, तो देखिए कोई फायदा नहीं है, बल्कि आपका ये जो कार्ड है ना, इसका डैमेज होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है, और ये जो चैनल्स है वो अपने एयरटेल डिजिटल टीवी में भी देख नहीं पाएंगे, और दूसरे बॉक्स में तो देखिए नुकसान होगा ही होगा। तो ऐसी हरकत कभी ना करें, ऐसा काम कभी ना करें कि आप किसी दूसरे बॉक्स के कार्ड को किसी दूसरे बॉक्स में डाल दें। दूसरी और बात अब बता देता हूं कि अगर ये कार्ड आपका डैमेज हो जाए तो इससे हमें बचने का क्या विकल्प है, क्या हम वापस से चैनल्स देख पाएंगे या हमारा कनेक्शन हमेशा के लिए डेड हो गया। तो देखिए, ऐसा नहीं है। अगर ये कार्ड आपके बच्चे द्वारा या फिर किसी भी कारण ये कार्ड टूट जाए या गुम हो जाए, तो आपको एयरटेल डिजिटल टीवी, टाटा स्काई, जितने भी डीटीएच ऑपरेटर्स हैं या फिर आपके घर में जो कनेक्शन डीटीएच का लगा हुआ है उसमें व्यूविंग कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है, तो आपके पास हेल्पलाइन नंबर तो देखिए जरूर होगा। उस हेल्पलाइन नंबर पर आपको शिकायत दर्ज करनी होगी, अपना कस्टमर आईडी नंबर देना होगा, अपना नाम बताना होगा। उसके बाद एक नया कार्ड तक को तैयार करके दिया जाएगा, इश्यू करके दिया जाएगा। 24 से 48 घंटे का समय लिया जाता है, और उस समय के भीतर आपको घर पे ये कार्ड दिया जाएगा और आपके बॉक्स में इंसर्ट करके आपको चैनल्स को एक्टिवेट करके दिया जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से कार्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। आने वाले वक्त में उम्मीद की जा रही है कि ये कार्ड का इस्तेमाल पूरे तरीके से बंद हो जाए, क्योंकि अब जो है इन बिल्ट सिस्टम आने लगा है। जैसे कि आपको मैं उदाहरण के तौर पर दिखा दूं, तो डिश टीवी का बॉक्स जो है इसमें कहीं पर भी किसी भी व्यूविंग कार्ड को डालने की जगह नहीं दी है, स्लॉट की जगह नहीं दी है। ये सीआई मोड है, इसका ध्यान ना दें, ये व्यूविंग कार्ड का स्लॉट नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा काम होता है बॉक्स का, व्यूविंग कार्ड का। अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है जो मैं ना बता पाया हूं, तो आप मुझे कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। नमस्कार।